अस्सलाम वालेकुम। तो जी देखो, 3:30 बज गए, सुबह के कहूँ रात के कहूँ पता नहीं, बट उठते ही 3:30 बजे मैंने अपना वेट लॉस वाला चूर्ण लिया है। ठीक है, या पहली मॉर्निंग ड्रिंक में या फिर नाइट ड्रिंक में ले सकते हैं। इसकी रेसिपी जो है वो आएगी कल। ठीक है, 1/2 टीस्पून इसे लेना है, 15 दिन तक कंटिन्यू रखना है, फिर छोड़ देना है इसको, या 10 दिन तक। इस तरीके से अपनी अर्ली मॉर्निंग ड्रिंक लेती हूँ, और साथ ही मैं या तो कोई फ्रूट लेती हूँ या फिर सोखे हुए नट्स। लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 13-14 घंटे हमें बगैर पानी के बगैर कुछ खाए हमें रहना होता है, और फिर कुछ एनर्जी वाला ही लेना चाहिए, और ये छोटे मील बहुत ज़्यादा एनर्जी देते हैं। उसके बाद ये देखो, मैंने ब्राउन ब्रेड का सैंडविच बनाया था, ये चिकन का सैंडविच है, और रेसिपी चाहिए शेयर कर दूँगी। वैसे कई बार मैंने रेसिपी शेयर कर रखी है, अलग अलग तरीके से मैं अपना सैंडविच बनाती हूँ, और 4:15 बजे के टाइम अपना सहरी करने में बैठ जाती हूँ, और मतलब काम करते करते रोटी बनाना, ये लोग तो रोटी खाएंगे ना, मैंने अपने सैंडविच बनाए थे, क्योंकि आज मेरे मतलब का नहीं था खाना, मुझे मतलब जो बना था वो मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर बनाई थी चाय, और साथ में 2000 years later अस्सलाम वालेकुम। तो जी 6th रोज़ आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आई होप आपके भी रोज़े अच्छे जा रहे होंगे, और मतलब ये सोच के मैं नहीं रख रही रोज़े के मुझे पतला होना है, तो मैं रोज़े रख रही हूँ। ठीक है, ये कभी भी माइंड में मत रखना, रोज़े नहीं माने जाएंगे, गुना अलग से मिलेगा। हाँ, ये कि वेट लूज़ करना है वो तो मैं बाद में भी कर सकती हूँ, बस ये चीज़ चेंज करिए कि मैं अनहेल्दी खाती थी अपने रोज़ों में, फ्राई चीज़ें, पकौड़े शकौड़े, वो मैंने बंद कर दिए। ठीक है, बाकी मैं इस नियत से कभी भी नहीं रख रही रोज़े कि मुझे पतला होना है। आपको मालूम है, अगर मुझे पतला होना है मैं रोज़ों के बाद भी यूँ चुटकी में कर सकती हूँ अपना वेट लूज़, जैसे कि मैंने कर रखा है 1 मंथ में 12 kg। और दूसरी बात, आज मैं एक रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। कौन सी? बिरयानी की। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि बिरयानी की रेसिपी शेयर करो, चूरन की रेसिपी शेयर करो। देखो, आज मैं एक रेसिपी शेयर करूंगी खाली बिरयानी की, चिकन बिरयानी, जो कि देसी घी से बनाऊंगी मैं। ठीक है, और जो चूरन की रेसिपी है वो 1-2 दिन में डाल दूंगी, क्योंकि यार अगर मैंने इस वीडियो में डाल दी ना तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बोरिंग हो जाएगी। तो मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मतलब चीज़ें दिखाऊँ, और जो ये बक बक करती हूँ वो मैं थोड़ा कम करूँ। ठीक है, बाकी अभी देखो 4:30 हो रहा है, अफ्तार टाइम मतलब जब होगा 5:45 बजे के टाइम में अपना वेट चेक करूंगी, जो भी होगा आपको दिखा दूंगी। और जी और जी और जी और जी और जी और क्या बोलना था, जल्दी जल्दी मैं इसलिए बोलती हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। और इतने प्यारे कमेंट आते हैं ना, मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ आपके कमेंट पढ़कर, मुझे मोटिवेशन मिलती है कि नहीं, मुझे आगे और वीडियोस डालनी है और ज़्यादा वेट लूज करना है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच इतने प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए, मुझे हिम्मत देने के लिए, मुझे मोटिवेशन देने के लिए, मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। बाकी जो जो आपके क्वेश्चंस हो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, मैं इंशाल्लाह सब के आंसर दूंगी। या कोई सी भी रेसिपी आपको चाहिए वेट लॉस मतलब हेल्दी रेसिपी, ठीक है, जो घर वाले भी खा सकें, ऐसा तो नहीं कि वेट लॉस वाली रेसिपी है तो कोई और दूसरा खाएगा तो वो पतला हो जाएगा। तो चलिए जी, सबसे पहले अफ्तार का दिखा देती हूँ। यहाँ मैंने किशोरी कबाब लिए थे, थोड़े से तरबूज, 1 खजूर, और साथ में है ये बनाना वाली स्मूथी, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है और फीलिंग वाली होती है, एकदम फुल कर देती है। चलो उसके बाद दिखा देते हैं अपनी बिरयानी की रेसिपी। देखो, मैं पहले बिरयानी मसाला बना रही हूँ, और जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैंने लिख दिए हैं, आप चेक कर लेना। जैसे बड़ी इलायची, छोटी इलायची, ज़ीरा, लौंग, साबुत मिर्च, साबुत धनिया, दालचीनी, चक्री फूल। तो हाँ, एक चीज़, हाँ, दालचीनी और बड़ी इलायची मैं इसमें डालना भूल गई थी, मैंने फिर बाद में ऐड कर दिया था। ठीक है, इसको हल्का सा रोस्ट करना है, इतना कि इसमें से खुशबू सी आने लगे। फिर क्या करना, एक मिक्सर जार लेना है, इसमें एक पाउडर सा बना लेना है। ठीक है, और ये देखो मैंने 3 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून घी बचा है, 3 टेबल स्पून लिया था मैंने, क्योंकि इसमें अनियन फ्राई करी थी मैंने। तो इतने घी में भी अगर आप अनियन फ्राई करते हो और खाते हो तो वेट गेन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये 1/2 kg चावल है, राइस उसमें बना रही हूँ, और ये 1.25 किलो मेरा चिकन है बड़े वाले पीस से। ठीक है, फिर मैंने क्या करा, चिकन डालने के बाद पिसी हुई लाल मिर्च, धनिया पाउडर, और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, ज़ीरा पाउडर, और जी बिरयानी मसाला 1.5 टीस्पून, 1.5 चम्मच खाने वाला जो होता है वो, और जी उसके बाद इसमें क्या जाना है, दही, दही वो 10 रुपये वाला पैकेट आता है ना, मैंने वो पूरा ही डाल दिया था। ब्राउन अनियन जो हमने फ्राई करके रखी थी, अनियन जो थी ना छोटी छोटी, 2 थी तो मैंने ले ली, और ये बच गई थी, आप एक लोगी बड़ी वो भी चल जाएगा। और इसके बाद जाने वाला है इसमें हरा धनिया और पुदीना, और देखो ये क्या पुदीना लिखा हुआ है,
एडिटिंग में देखो कुछ आता कुछ है, मतलब होता है ना मोबाइल में, तो इसलिए सब कुछ कभी कभी ख़राब हो जाता है। थोड़ा सा दालचीनी क्योंकि मैंने बिरयानी मसाले में मैं डालना भूल गई थी, और सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अच्छा सॉल्ट जो है मैं पिंक वाला यूज़ कर रही हूँ, जो सेंधा नमक होता है ना वो, ठीक है। और यही आजकल यूज़ कर रही हूँ, और आप भी यही यूज़ करें अगर डिनर में अपने ले रहे हैं, और वेट लॉस जर्नी में सही है, जिसका बीपी हाई रहता है उसके लिए भी सही है। तो इस तरीके से मैं इसे है ना 10 से 15 मिनट इसे ढक के रख दूँगी लो फ्लेम पे, ठीक है। और फिर हमारे बॉइल्ड राइस ही, इसे 75-80% मैंने गलाया है, ज़्यादा नहीं गलाना, और क्योंकि हमें इसको है ना दम में लाना है, जब हम बिरयानी मतलब जो हमारा गोश्त गल रहा है इसकी लेयर लगाएंगे, और ज़्यादा नहीं है 1/2 किलो, इसलिए मैं एक ही लेयर लगाऊंगी। अगर आपके 1 किलो है चावल तो आप 2 लेयर ही लगाइएगा, ठीक है, इस तरीके से। और बहुत ज़्यादा हेल्दी और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनती है। आप इसे चिकन में ही बनाएं तो ज़्यादा बढ़िया है, बाकी बीफ या फिर मटन में बनाएंगे तो ज़्यादा मुझे अच्छी नहीं लगती, और बाकी आपकी चॉइस। और देखो ऊपर से मैं इसमें हरा धनिया, पुदीना, नींबू और जी ये सब डाल दूँगी, और साथ में इसकी जाएगी ब्राउन अनियन जो फ्राई करी थी, इसमें बहुत ज़्यादा टेस्ट लाती है। आप चाहें तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, बट मैंने नहीं डाला था, ठीक है। और ये प्याज जो है ना, ये मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, अब ये डालना ज़रूर। और बिरयानी का जो रंग होता है ना जर्दे का, वो थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा नहीं जाता इसमें, ठीक है। मतलब 1 चमचा खाने वाला, इस तरीके से एक अंदाज़ा बता रही हूँ मैं आपको। फिर क्या करना है, फिर इसको ना हमें ना दम में लगाना है। पहले तो हाँ देसी घी डालना है 1 टीस्पून, और देसी घी थोड़ा अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। फिर ये डालने के बाद अब हमें क्या करना है, कपड़ा लेना है दस्तखाने ये रोटी का, मैंने इसको गीला कर लिया था। फिर इसको बस ये मतलब ऐसा ढक्कन होना चाहिए जो एकदम पैक हो जाए, कहीं से हवा नहीं आए, मतलब जो स्टीम होती है वो बाहर ना निकले। फिर इसे मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने इसे 5 मिनट के लिए रख दिया था, और ये कुछ इस तरीके की हो गई है, हमारी बिरयानी हुई डन। अब बस इसे हल्के से चलाना है और सर्व करना है, तो इस तरीके से बनाओ। अच्छा ये जो चिकन है, ये बड़े बड़े पीस आप इसके बदले छोटे वाले पीस भी ले सकते हैं, अभी घर में यही था तो मैंने यही डाल दिया, ठीक है। और ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे बड़े बड़े पीस। फिर चलो निकाल के दिखाती हूँ मैं आपको। अच्छा आप बनाओगे ना मुझे कमेंट में, मतलब कमेंट करना कि आपको ये जो बिरयानी है ना कैसी लगी। बनाने को मैं रोज़े से पहले भी बना सकती थी, बट नमक का मसला रहता है ना घर में, कभी हल्का हो तेज़ हो तो सब फिर कहते हैं हल्का हो गया तेज़ हो गया, तो फिर ना मेहनत ख़राब जाती है। तो इसलिए मैंने रोज़े के बाद फटाफट से एकदम से तैयारी कर ली थी। ये रहा मेरा आज का डिनर, और इसकी क्वांटिटी बता दूँ मैंने 15 टी स्पून मैंने ये बिरयानी ली थी विथ रायता, खीरे का और प्याज का रायते के साथ, ठीक है। और आप भी इस तरीके से बनाओ और खाओ, बहुत ज़्यादा टेस्टी, और वेट भी गेन नहीं होगा, बस पोर्शन कंट्रोल करना होता है हमें, ठीक है। और ज़्यादा ऑयली नहीं बनानी, जितना मैंने बताया उतना ही घी डालना। फिर जी रोज़े के बाद तो नहीं, खाना खाने के बाद मैंने अपनी चाय ली मिल्क टी, और इसमें मैंने 1/2 टीस्पून शुगर ऐड करी ब्राउन, नाइट ड्रिंक मैंने नहीं ली थी। चलो वीडियो पसंद आए, रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर देना। बाय बाय, चेक के, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेल्दी खाओ, हेल्दी रहो और हेल्दी जियो। बाय बाय।